नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क भी पीएम मोदी के बड़े फैन बन गए हैं। जी हां, लेकिन कैसे ये अभी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जान लीजिए दुनिया के सबसे बड़े रईस और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के किसान आंदोलन को लेकर किए दावे पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकार की बात मानने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता। अगर हम स्थानीय सरकार के कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो हमें बंद कर दिया जाएगा। हम अमेरिका के नियमों को पूरी दुनिया में लागू नहीं कर सकते। हम नियम के तहत यथासंभव फ्री स्पीच देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मस्क के बयान पर कहा, हम उनके बयान की सराहना करते हैं। ये बयान पीएम के डिजिटल इंडिया की दिशा में किए गए प्रयासों का ही नतीजा है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क कैसे प्रधानमंत्री के फैन बने। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिका में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की, वहां टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भी मिले। इस मौके पर मस्क ने कहा कि भारत में किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में ज्यादा संभावना है। वह भारत के भविष्य को लेकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित है। और इस दौरान जब एक पत्रकार ने मस्क से किसान आंदोलन को लेकर किए गए जैक डॉर्सी के आरोपों पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा हम जो कर सकते हैं वो है किसी भी देश के कानूनों का सही तरीके से पालन करना। हमारे लिए इससे ज्यादा करना असंभव है। अलग अलग सरकारों के लिए नियम और कानून भी अलग अलग होते हैं और हम कानून के तहत हर संभव फ्री स्पीच देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मसला शुरू कैसे और कहां से हुआ। वास्तव में जब जैक डॉर्सी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कभी किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, इसके जवाब में डॉर्सी ने कहा, ऐसा कई बार हुआ है। भारत में ही देख लीजिए, किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने की कई सिफारिशें की गई। इसमें ऐसे कई पत्रकार भी शामिल थे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इस दौरान धमकी दी गई कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, हम आपके अधिकारियों के घरों पर छापेमारी करेंगे, अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपके दफ्तरों को बंद कर देंगे। और ये भारत है, एक लोकतांत्रिक देश। वहीं भारतीय बाजार में टेस्ला के आने के सवाल पर मस्क ने कहा कि वह अगले साल देश का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि टेस्ला जल्द से जल्द भारत में काम शुरू करेगी। मस्क ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को उनका सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि हम जल्द ही भारत में निवेश की एक अहम और बड़ी घोषणा कर पाएंगे। पीएम मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं क्योंकि वे हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं मोदी का प्रशंसक हूँ, एक शानदार मुलाकात थी और मैं उन्हें काफी पसंद करता हूँ। मस्क ने पीएम से बातचीत में कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन निवेश कर रहा है। तो वहीं इस पूरे मसले को लेकर सरकार पर विपक्ष भी हमलावर हो गया। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि मोदी सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला कि किसानों और किसान आंदोलन के अकाउंट्स बंद करिए, उन पत्रकारों के अकाउंट्स बंद करिए जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, नहीं तो ट्विटर और उसके कर्मचारियों के यहाँ छापेमारी की जाएगी। ट्विटर के कोफाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में ये सब स्वीकार किया है। क्या मोदी सरकार इस पर जवाब देगी? वहीं कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा था कि ये बीजेपी के प्रजातंत्र की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर है, कितने भी शिलान्यास कर लीजिए लेकिन इस पाप को कैसे धोएंगे। इसके साथ शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि बीजेपी और सरकार ने किसानों के विरोध को कुचलने की कोशिशें की है, उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, उन्होंने किसानों को आतंकी कहा, उन्होंने किसानों को एंटी नेशनल कहा, उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज कराई, उन्होंने किसानों को मरने दिया, उन्होंने किसानों का समर्थन करने वालों की आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दबाव डालने की कोशिश की। और अब इतना सब कुछ होकर भी सरकार इन दावों को खंडन कर चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने इसे सरासर झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि ट्विटर शायद अपनी सबसे संदिग्ध दौरे को झाड़ने का प्रयास कर रहा है। डॉर्सी और उनकी टीम द्वारा बार बार भारत के कानून का लगातार उल्लंघन हो रहा था। उन्होंने 2020 से 2022 तक कानून का पालन नहीं किया। आखिर में उन्होंने जून साल 2022 से कानूनों का अनुपालन किया। उन्होंने दावा किया ना कोई जेल गया और ना ही भारत में ट्विटर बंद किया गया। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।